झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नगरी में ऐतिहासिक किले के निकट स्थित दीनदयाल सभागार को बेहतरीन और भव्य लुक देने का काम किया गया है। झांसी विकास प्राधिकरण ने इसके उच्चीकरण और सुंदरीकरण का काम कराया है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने इसके जीर्णोद्धार का काम किया है। इस सभागार का निर्माण वर्ष 2003 और वर्ष 2004 में कराया गया था। देखरेख के अभाव में इसकी स्थिति लगातार बदहाल होती जा रही थी। सभागार की सीटें खराब हो गई थी और परिसर व भवन की सुंदरता भी खत्म होती जा रही थी। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की मांग पर झांसी विकास प्राधिकरण ने इसके आधुनिकीकरण का काम शुरू कराया। इसके उच्चीकरण के काम पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर इसे आधुनिक रूप दिया गया है। बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की परंपरा रही है। दीनदयाल सभागार में 500 लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था भी है और ये भवन पूरी तरह से केंद्रीयकृत वातानुकूलित है। सभागार के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित की गई है और पार्क को भी बेहतर रूप से सुसज्जित किया गया है। सभागार के पीछे पार्किंग की भी खास व्यवस्था की गई है। ये सभागार आने वाले दिनों में पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मददगार साबित होगा।